रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पास्ता, यानी आप इसको रेड सॉस पास्ता भी कह सकते हैं। और ये पास्ता स्पेशली जो मैं बनाने जा रही हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए हैं, किड्स के लिए जो कि स्कूल जाते वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कि हमने ये लेके जाना है और ये नहीं लेके जाना, तो उनके लिए ये पास्ता बेस्ट है। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको बॉइल करेंगे पास्ता को, ऐसे ही थोड़ा सा गर्म कर दिया है और अब मैं इसके अंदर पास्ता ऐड करूँगी। अब हम इसमें कैरेट ऐड करेंगे ताकि वो भी फ्राई हो जाए। मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। यस ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में जरूर करिएगा कि कैसा बना। ये शिमला मिर्च और गाजर जो है वो फ्राई हो गई है, तो अब हम इसमें अपना प्याज ऐड कर देंगे। प्याज में मैंने एक लिया था, इसको ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया मैंने। मैं इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। ये तो व्यूअर्स अब ये तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, शिमला मिर्च प्याज और गाजर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर, वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही क्रश्ड रेड चिली, चिली फ्लेक्स यानी वो 1 टेबल स्पून है। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है सोया सॉस। जी तो व्यूअर्स अब हमारा पास्ता जैसे कि बॉयल हो चुका है। जी तो व्यूअर्स अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता। बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सिरका जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया। साथ ही ऐड कर दूंगी चिकन जो कि फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस ऐड कर दूंगी। इसको फिर से मिक्स कर लूंगी और ये हमारा पास्ता जो है वो अब तकरीबन रेडी है। जी तो व्यूअर्स अब जो है हमारा पास्ता जो है मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया और ये बहुत जो है डिलीशियस लुक दे रहा है और ये खाने में बहुत टेस्टी है।